الله أكبر. यहाँ अभी तक हुई है इस तरह कोई क्लास? कोई क्लास नहीं हुई? कभी आएगा कोई सामने? ये चाहिए होगा ना, फिर डिस्टरबेंस तो होगी, इसके बगैर नहीं होगा ये। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला नबीजिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मैं एक और बात बताऊँ आपको, एक पार्टीशन ला के रख दें बीच में, सही बता रहा हूँ। एक जी बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर आ जाएगा और एक इधर भी लग दे यूं। हाँ बस, मसला नहीं है, दुनिया इस तरह काम करती है, अनोखे थोड़ी है जी। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, सबब नुज़ूल के फवायद और हाँ? चलें जी, आज जो हमारा मौजू है वो क्या है? पिछली दफा मैंने बताया था ना मौजूआत, बस यही है। अब ये क्यों आ जाएगा? चुप गए, हाँ बस ठीक है, यही काफी है। अभी शेख शेख उनको शेख को आप सामने बैठाएंगे, बात ठीक जी। जी बिल्कुल, सूरतें नहीं, सॉरी, पहली और आखिरी आयतें, सॉरी, हाँ पहले ही है। हाँ जी, नुजूल के एतबार से, या फिर हाँ नुजूल के एतबार से कुरान की सबसे पहली और आखिरी आयतें जी। तो सबसे पहली बात ये नोट कर लीजिए कि उलमा का इसमें इख्तलाफ है कि पहली सूरत कौन सी है। जी, आवाज आ रही है सबको? एक आध स्टूडेंट को नहीं आ रही, इसलिए कंफर्मेशन ले रहे हैं बाकियों से। जी, सबको आ रही है? यस, लिख दें 10 15 20 लोग। जी यस, जी आ रही है जी, चलें चले जी, अलहमदुल्ला, जजाकल्लाह। बस 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 जी, सबको आ रही है आवाज? इनको नहीं आ रही, वो अपने पास सेटिंग कीजिए। अच्छा जी, अच्छा, मैं अब आवाज का रिस्पॉन्स, कि आवाज नहीं आ रही उसका रिस्पॉन्स तब दूंगा जब मेरे पास 6 8 मैसेज आ जाएंगे, ठीक, वरना नहीं दूंगा। अच्छा, तो पहले इसमें इख्तलाफ है, पहली और आखिरी आयत सूरत नाजिल होने के एतबार से इख्तलाफ है उलमा का। और जो राजे मौकफ है, जो राजे बात है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक, सामने
राजे मौकफ है यानी द प्रेफर्ड ओपिनियन या विच सीम्स टू बी द राइट ओपिनियन, या फिर ये कह लीजिए कि ज़्यादा बेहतर जो ओपिनियन मालूम होता है वो ये है कि सूरे अलक की इब्तिदाई आयात सबसे पहले नाजिल हुई, जैसा कि हदीस में आया है कि नबी सल्लम गारे हिरा में थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरे अलक की इब्तिदाई आयत लेके आए। ठीक। अच्छा, इस चीज के साथ साथ एक इख्तलाफ भी है और वो यही है, एक हदीस में आता है कि सूरे मुदस्सिर हजरत जाबिर की मुदस्सिर जो है ये पहली आयत है नाजिल होने के एतबार से, तो अब क्या किया जाए। एक हदीस में सूरे अलक आ रहा है, एक हदीस में सूरे मुदस्सिर आ रहा है, क्या किया जाए? हो सकता है कहे कि भाई ये तो अहदीस रसूल में टकराव है और हदीस ही सही नहीं है, हमें तो दो हदीसें ही आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, हमें तो हदीसों को ही नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कोई ये बात बोले, कुरान से हेल्प लें, कुरान में तो यही बात आ रही है, कुरान में तो आयते हैं, ये थोड़ी है कौन पहले कौन बाद में, कुरान में ये दोनों आयते बाद में हैं, शुरू से बहुत आखिर में, बहुत आगे हैं। सूर्य अलग तो है ही आखिरी पारे में, सूर्य मुदस्सर उससे चंद बल्कि आखिरी चंद पारों में है जी। तो कभी भी पहले ये अकीदा रखिए, ये बात समझिए कि कभी भी दो हदीसें सही हो, कोई भी दो हदीसें सही साबित हो जाएं, ज़ईफ की बात नहीं हो रही, जब भी दो हदीसें सही साबित हो जाएं और उनके माना और मफहूम में जाहिरी तौर पर इख्तलाफ हो, तो ये बात समझ लें वो जाहिरी इख्तलाफ ही होता है, वो हमारे फहम में इख्तलाफ होता है, हदीस में अहादीस में अगर सही साबित हो जाए तो वो इख्तलाफ नहीं होता। और इस सूरत में आप इंशाल्लाह उसूल हदीस में पढ़ेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जैसे यहाँ भी किसी भाई ने बोला था कि जी जी सिस्टर साहब सही कह रही हैं, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि सबसे पहले आप उसमें रिकनसाइल करेंगे। ठीक, रिकनसाइल करेंगे और रिकनसाइल करने को हम तत्बीक कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्बीक। तो हम तत्बीक करेंगे और कोई ऐसी सूरत निकालेंगे कि जिसमें दोनों हदीसों पे अमल करना मुमकिन हो जाए। सही है, ये बात समझ आ गई? ऐसी ऐसी राह निकालेंगे कि दोनों अहादीस पर अमल करना मुमकिन हो जाए। तत्बीक क्या होता है, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये बात समझ आ गई? वी विल डू और उलमा ऑलरेडी डिड दिस। जी, उलमा ने कर दिया सब कुछ, एवरीथिंग सब उन्होंने कर दिया। ठीक, हम सिर्फ समझेंगे इसको, ठीक है, उलमा ने कर दिया, लेकिन हम ये जरूर समझेंगे उलमा किस तरह करते हैं। ठीक, ताकि कल को हमें कोई कह दी, देखें जी आपकी दो हदीस में इख्तलाफ हो गया और आप जो हैं क्या कहते हैं आपकी हदीसें ऑथेंटिक नहीं है, ये तो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है, तो उसको हल करने के लिए आपके पास ये कुछ जवाब होने चाहिए, आपके साथ के जहन में कन्फ्यूजन ना बैठ जाए। ठीक, तो ये तो कुरान के नाजिल होने के एतबार से पहली जो सूरतें हैं। इसमें कोई सवाल है? बुक कौन सी है, ये बार बार सवाल आता है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जब पढ़ लेंगे फिर दूंगा। जी,
कल की रिकॉर्डिंग के लिंक नहीं मिले, ये बातें यहाँ ना कीजिए प्लीज। ये अपना जो एक रिसेप्शन का नंबर है, हेल्पलाइन का नंबर, हाँ ये सवाल है कि भाई अब तत्बीक कैसे करेंगे इन दो हदीसों में, एक में सूरह मुदस्सिर के बाद आ रही है और एक में सूरह अलक की इब्तिदाई स्टार्टिंग की आयतें आ रही हैं, तो अब फाइल एतबार से यानी सबसे पहले नाजिल होने के एतबार से जो आयत है, जो सूरत है इन टर्म्स ऑफ मुतलकन नाजिल होना, तो वो क्या है, वो सूरह अलक की आयतें हैं, ठीक है। लेकिन ये बात आपको ये पता होनी चाहिए कि सूरह अलक के नाजिल होने के बाद एक अरसा नुजूल रुक गया था, एक अरसा वही आना रुक गई थी, इसको कहते हैं फतरतुल वही। इसको क्या कहते हैं? फतरतुल वही, गैप इन वही। जी फतरतुल वही, जी आवाज सही आ रही है। तो पहली दफा जब सूरह अलक नाजिल हुई उसके बाद, सूरह अलक की इब्तदाई आयतें नाजिल हुई तो उसके बाद वही का सिलसिला कुछ अरसे रुक गया, उसमें वक्फा आ गया था, इसको फतरतुल वही बोलते हैं। तो जब ये आ गया था सकरातुल वही, अल्लाह आलम मैंने सकरात का लफ्ज नहीं सुना, तो जब ये हुआ तो क्या हुआ, एक गैप आ गया, और जब गैप आया तो फिर जो सूरत नाजिल हुई वो थी, और वैसे जो पहली सूरत नाजिल हुई वो कौन सी थी, वो सूरह अलक की इब्तिदाई आयतें थी, ठीक। जी बात समझ आ गई। मुद्दस्सिर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानजिर। चले अब बात दोबारा समझिए। एक हदीस में आया है कि पहली सूरत जो नाजिल हुई वो, ये पहली आयतें जो नाजिल हुई वो सूरह अलक की इब्तिदाई आयतें और सूरतें थी। एक हदीस में आया है कि जो पहली सूरत नाजिल हुई वो सूरा मुद्दस्सिर है, सूरा मुद्दस्सिर है। अब सवाल ये है कि कौन सी सूरत पहले नाजिल हुई, सूरे मुद्दस्सिर या फिर सूरे अलक, ठीक। जी यहां तक बात समझ आ गई, आवाज आ रही है? ये इख्तलाफ है। अब इसको हल किस तरह करें, दो अहादीस में इख्तलाफ हो गया तो इनमें एक ऐसी सूरत निकाली जाए कि दोनों हदीसों को आप दोनों पे अमल कर लें, उनमें से कोई एक भी रिजेक्ट ना हो। तो उसमें यही सूरत है कि जनरली नुजूल के एतबार से जो पहली सूरत नाजिल की गई वो सूरह अलक की इब्तदाई आयतें थी, और उसके बाद जब सूरह अलक के नाजिल होने के बाद एक वक्फा आया जिसको हम फतरतुल वही कहते हैं, फतरतुल वही हुई, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह मुद्दस्सिर नाजिल हुई। तो फतरतुल वही के बाद जो पहली सूरतें नाजिल हुई वो सूरह मुद्दस्सिर थी, या पहली आयतें नाजिल हुई, और उससे पहले जो नाजिल हुई उमूमी तौर पे जनरली सबसे पहली जो आयतें नाजिल हुई वो सूरह अलक की इब्तदाई आयतें थी, ठीक है जी। बात समझ आ गई? जी बात समझ आ गई।
अल्हम्दुलिल्लाह, चले तो ये तो शुरू के एतबार से था। अब आखिरी सूरत के एतबार से, आखिरी सूरत कौन सी है कुरान की, आखिरी आयत कौन सी है? यार अपना भजन बहुत गर्मी है, यहाँ पंखा जो है ना वो उधर है, पंखे की हवा नहीं आ रही, शोर हो रहा। मैं यूं बैठ जाऊं? नहीं नहीं मैं यूं आ जाता हूँ ना करीब। आप इधर हैं? इधर हैं? बस बस कैमरे को यूं घुमा दे। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। सूरह अलक कंप्लीट एक बार में नाजिल नहीं हुई, भाई गर्मी लग रही थी, गर्मी लग रही, पंखे की हवा नहीं आ रही। कैमरा ऊपर करना और इधर घुमा दे थोड़ा सा, ऊपर करें, ऊपर ऊपर बस बस ठीक। चले आखिरी आयत के एतबार से बहुत ज्यादा इख्तलाफ, ये नुजूल के एतबार से आखिरी आयत कौन सी है? ठीक, यहाँ सब लिख रहे हैं सूरह नसर है, कुत्तकु यौमन तुरजाउना फीही इलल्लाह, ठीक है जी, सब बातें बता रहे हैं। अब मैं आपको बस ऊपरी ऊपरी तौर बताता हूँ कि जिनमें इख्तलाफ में कौन कौन से अकवाल हैं। ठीक, किसी ने कहा कि जी यही आयत है, नंबर वन, बत्तकु यौमन तुरजाउना फीही इलल्लाह। किसी ने कहा कि जी अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फ़क्तुबूह, आयत दैन जिसको कहा जाता है। आयत दैन जिसको कहा जाता है, बास के नज़दीक ये आयत है, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमल आमिल मिनकुम, सूरह आल इमरान की आयत। ठीक, बास के नज़दीक, यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। आयतों का नंबर बता दें जी, पहली आयत है सूरह बकरा आयत 281, 281। दूसरी है आयत दैन, दैन आयत दैन है, ये आयत 282 है जी। आवाज आ रही है? अब जी इसी तरह काफी सारी आयतें हैं। इसी तरह ये भी कॉल है सूरह नसर की जो सूरत है ये आखिर में नाजिल हुई। सूरह नसर क्या है? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا। जी إنه كان توابا ये भी आयत है। इसी तरह कहते हैं कि जी सूरह मायदा जो है ये आखिर में नाजिल हुई, और बाज ने कहा आखिर में ये आयत नाजिल हुई, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ये सब ने पढ़ा कि आज के दिन तुम्हारा दीन हमने मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे लिए नेमत को पूरा कर दिया है और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर चुन लिया है। ठीक जी, जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो कह सकते हैं। अब इनमें बात ये भाई, इतने अखबाल हैं, सही रिकॉल क्या है? जी
सही कॉल क्या है? सही कॉल यही है कि अल्लाह के ये जो हदीस है आपकी, बल्कि ये आयत, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह थुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, कि सबसे ज्यादा जो राजे कॉल है वो यही है कि वत्तकू यौमन, डर जाओ उस दिन से, सूरह बकरा आयत नंबर 281, उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुमने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। थुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर पूरा कर दिया जाएगा हर नफ्स को मा कसबत वो जो उसने कमाया होगा। वहुम ला युज़लमून, और उसमें उसके साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई जुल्म व ज्यादती नहीं की जाएगी। जी, तो आखिरी सूरह, आखिरी आयत नुज़ूल के एतबार से राजे कौल के मुताबिक यही है। अब सवाल एक और होता है, भाई बाकी कौलों का क्या करें? जो बाकी अकवाल आए हैं दीगर आयतों के हवाले से वो क्या है? तो भाई उसमें ये बात समझ लें, जिस जिसने भी जो बात कही है उसमें इस तरह है कि हुकूकुल इबाद के एतबार से कोई आयत नाजिल आखिर में नाजिल हुई, अहकाम के एतबार से कोई अलग आयत आखिर में नाजिल हुई। इसी तरह कह लीजिए कि मक्का में आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई, मदीना में आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई। तो बाकी जो सारे कौल अकवाल हैं वो इस एतबार से, ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई? हलाल और हराम के एतबार से कौन सी आयत नाजिल हुई? बात वाजे है? जी, ये बात सही है। तो ये मक्की मदनी का, सॉरी मक्की मदनी कह रहे हैं, पहले और आखिर में नाजिल होने के एतबार से। अब जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है क्या, मक्की और मदनी सूरतों का फर्क। भाई इतना भी हम सुनते हैं सबसे कि भाई मक्की सूरत और मदनी सूरतें कौन सी हैं, ये मक्की सूरत है ये मदनी सूरत है, इन दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहला फर्क कौन बताएगा? जी हाँ जी, पहला जवाब, और पहला जवाब ही बिल्कुल सही, दूसरा जवाब जो कि गलत। पहला जवाब ये, अच्छा गलत जवाब बताता हूँ, कि मक्की वो जो मक्का में नाजिल हुई, और मदनी वो जो मदीना में नाजिल हुई। हाँ, तो बात ये है जो मक्का और मदीना के बाहर नाजिल हुई वो कौन सी है? वो किस में शुमार होंगी? हाँ, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरतें हैं, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। अब इनमें मजीद क्या क्या फर्क है और कौन सी इनकी खास निशानियां कौन सी हैं, ये इंशाल्लाह हम नमाज के बाद पढ़ेंगे। अजान हो गई है और हम अपनी क्लास को अभी स्टॉप करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अलग नाजिल हुई तो क्या रसूल नबी बने या रसूल बने? नबी बने। चलें जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला नबी अली الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जी, आवाज़ आ रही है?
जी, मक्की मदनी सूरत, मक्की सूरत और मदनी सूरत। दोनों का फर्क आपको बताया कि जो मदीन हिजरत से पहले नाजिल हों वो मक्की सूरतें हैं, ख्वाह वो मदीना में ही क्यों ना नाजिल हुई हों। या मक्का से बाहर नाजिल हुई हूँ, मदीना तो बहरहाल नहीं लेकिन मक्का से बाहर, मक्का में हुई हूँ या मक्का से कहीं बाहर भी हुई हूँ, तो वो मक्की सूरतें कहलाएंगी। और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं, चाहे वो मदीना में हो जाए मदीना से बाहर हो। ठीक, ये बात भी समझ लीजिए, किसी भी सूरत का उसको मक्की या मदनी का टाइटल मिलना, ये ऐसा नहीं है कि पूरी सूरत हिजरत से पहले नाजिल हुई हो, पूरी पूरी सूरत हिजरत के बाद नाजिल हुई हो। बहुत सी ऐसी सूरतें हैं, क्या ये मैं नहीं दूंगा, ये दे दो थोड़ी सी बस। बस बस बस, जी बात समझ आ रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सूरत ही जो है वो मक्का में नाजिल हुई, बहुत सी ऐसी सूरतें हैं इनका बाज़ हिस्सा मक्का में है, बाज़ हिस्सा यानी बाज़ हिस्सा मक्की है, बाज़ हिस्सा मदनी है। हम जब किसी सूरत पे मक्की या मदनी का हुक्म लगाते हैं तो वो उसकी अगलबियत के हवाले से लगाते हैं, अगलबियत उसके अक्सर के एतबार से लगाते हैं। जी अब आवाज क्लियर है? जी आवाज सही आ रही है? जी तो उसकी अगलबियत मेजोरिटी हिस्से के एतबार से, जब किसी सूरत का मेजॉरिटी हिस्सा मक्की होगा यानी हिजरत से पहले नाजिल हुआ होगा तो वो मक्की कहलाएगी, और अगर उसका मेजॉरिटी हिस्सा मदनी कहलाए मदनी होगा तो वो सूरत मदनी कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई सूरत मक्की कहलाई जाती है उसकी सारी की सारी आयतें जो हैं या पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो मक्की होता है, कोई मदनी कहलाई जाती है तो पूरी पूरी सूरत एक एक आयत मदनी होती है, ऐसा हमेशा नहीं होता। अब हम पहचाने कैसे, हम पहचाने कैसे कि मक्की सूरत और मदनी सूरत कौन सी है? तो कुछ अलामात, खसूसियात, अलामात को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अगलबियत मीन्स गालिब, ज्यादा, मेजॉरिटी पार्ट, मेजर पार्ट, सही। हाँ, साइंस कौन से हैं, हाँ ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जजाकला, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देख, इंडिकेशंस हैं, जजाकला, जिनको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये सूरत मक्की है, ये सूरत मदनी है। तो आइए मक्की सूरतों की अलामात और खसूसियात, खसूसियात को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? खसूसियात को ये उसकी खसूसी खास है ये इसके साथ, है जी। खसूसियात को क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्वालिटीज, जी, स्पेशल स्पेशलिटीज, फीचर्स, बिल्कुल। तो मक्की सूरतों की जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटी है वो पढ़ लेते हैं आज। सबसे पहली वो नोट डाउन कर लें, हर सूरत जिसमें सजदे तिलावत है, हर सूरत जिसमें सजदे तिलावत है वो मक्की होगी। ठीक, हर वो सूरत जिसमें सजदे तिलावत है वो सूरत मक्की है, नंबर वन। नंबर टू, हर सूरत जिसमें
में लफ्ज कल्ला, कल्ला काफ लाम अलिफ के साथ कलाम हो वो भी मक्की है। नंबर टू। नंबर थ्री, हर वो सूरत जिसमें या अय्युहन नास है, या अय्युहन नास के साथ कलाम किया गया है वो मक्की है, सिवाय सूरह बकरा और सूरह हज के। नंबर फोर, हर वो सूरत जो हरूफ मुकत्तआत से स्टार्ट हो। हरूफ मुकत्तआत कौन से होते हैं? अलिफ लाम मीम, हा मीम, काफ हा या ऐन मीम, सौत, इनको हम क्या कहते हैं? हरूफ मुकत्तआत कहते हैं। इनसे शुरू होगी तो वो सूरत मक्की होगी, सिवाय सूरत बकरा और सूरह आले इमरान के। चार हो गए। नंबर पांच, फिफ्थ, हर वो सूरत जिसमें अंबिया का जिक्र हो, साबका अंबिया, प्रीवियस प्रॉफिट्स एंड देयर नेशंस, उनके उम्मतों का जिक्र हो, वो भी मक्की होगी, सिवाय सूरे बकरा के। इसी तरह जिस सूरत में आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस मलऊन का जिक्र हो, वो मक्की होगी, सिवाय सूरे बकरा के। जी, अंबिया के जिक्र वाली सूरतें मक्की होंगी। अभी सिर्फ मक्की का ही बता रहा हूँ मैं सारी खसूसियात मक्की की ही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली मैंने बताई कि जिसमें सजदा तिलावत हो वो मक्की, जिसमें लफ्ज कल्ला, कल्ला काफ लाम अलिफ, ठीक, कल्ला हो, या अय्युहन नास हो, इसी तरह जिसमें हुरूफ मुकत्तआत हो। नंबर पांच, जिसमें साबका अंबिया के और उम्मतों के तस्करे हों, ठीक है, हुरूफ अलिफ लाम मीम को हुरूफ मुकत्तआत कहते हैं। ठीक, ये मैं चैट फॉर एवरीवन खोल रहा हूँ ताकि आपस में लोग शेयर कर लें। जी, दोबारा जरा लिखते हैं हुरूफ मुकत्तआत, और किसी ने पॉइंट्स लिखे हैं तो वो यहाँ भी शेयर कर दें। जी, नंबर छह, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का तस्करा हो, जरा मुकत्तात लिख के बता दे मैं इनको जरा ऑनलाइन। जी, बता रहा हूँ, अभी बदनी सूरत का भी बता रहा हूँ, सूरे हज में तो सजदा तिलावत आया, इसलिए कहा था सूरे बकरा और सूरे कुछ सूरों की एक्सेप्शंस भी होती हैं, अगर सूरे हज में आया तो वो दिखा दीजिएगा, बहरहाल वो नहीं है। उसके बाद हर तो नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे उमूमन, उमूमी तौर पर, अक्सर व बेशतर। असल में सूरह हज के मक्की और मदनी होने में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है, कि वो मक्की है या मदनी है। सही, इसमें एक नहीं दो सजदे हैं, सूरह हज में दो सजदे हैं, ठीक, तो बहरहाल ये इख्तलाफ है। सही है। इसी तरह जिस सूरत में तौहीद, रिसालत, जन्नत जहन्नम, कयामत का दिन, हशर व नशर, उसका जिक्र होगा, ज्यादा गुमान है, बहुत मुमकिन है कि वो सूरत मक्की होगी। ठीक,
इसी तरह हर सूरत जिसमें उमूमी तौर पर फजाइल और इखलाक, देखें मक्का में क्या था, मक्का में असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कोई आम अहकाम नहीं सिखाए थे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सियाम, ये चीज़ें नहीं थी, बल्कि आए तो तौहीद पढ़ाई, आखरत के बारे में बताया, जन्नत जहन्नम के बारे में बताया, साबका अम्बिया के किस्से बताए, अकीदे की बातें बताई। ये सारी चीज़ें आपको मक्की सूरतों में उमूमन, जिन सूरतों में ये ज़्यादा पाई जाएंगी उमूमी तौर पर, नॉट अ रूल ऑफ थम, हमेशा ऐसे नहीं होगा, मदनी सूरतों में भी ऐसा ही है, लेकिन ज्यादातर वो सूरतें मक्की होंगी। और आखिरी पॉइंट मक्की सूरतों का लिख लें कि मक्की सूरतें अक्सर छोटी छोटी होती हैं, बड़ी जामे माने आयात वाली होती हैं, आपस में वो कहते हैं ना सजा कलामी होती है, उनमें राइम करता है, राइम करने वाली होती हैं, राइम आई डोंट नो इज द राइट वर्ड और नॉट, मतलब ये है कि खूबसूरत कलाम होता है, कलाम तो पूरे कुरान का ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन छोटी छोटी सूरतें जो होती है ना, जैसे या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुम फानजिर, वसियाबा का फताहिर, वर्रुज्जा फहजुर, ये सारी चीजें, ठीक है, अर्रहमान, अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान, ये कनेक्ट होती जा रही है। ठीक, तो ये कुछ खसूसियात हैं मक्की और मदनी सूरतों की। रदीफ काफिया होते हैं। जी मुझे ये बातें अभी नहीं की जाए तो बेहतर है, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। चलें, अच्छा जी, अब मदनी सूरतों की अलामात और खसूसियात नोट कर लें, जल्दी से कर लें, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। जी आवाज आ रही है, यहां तक बातें समझ आ गई? जी चले, अब मदनी सूरतों की अलामात और खसूसियात नोट कर लीजिए। ठीक जी, मक्की में भी कुछ अहकाम हो सकते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर जो ज्यादा चीजें पाई जाती हैं वो मक्की में पाई जाती हैं। आइए जी, मदनी सूरतों के अलावा, ऐसी सूरत जिसमें कोई इस्लामी फरीजे या इस्लामी हद का जिक्र हो वो मदनी होंगी, इस्लामी हद या फिर इस्लामी कोई फरीजा। हद समझते हैं, हद क्या होती है, हद हद क्या होती है, लिमिट, वो वाली हद नहीं है ये, पनिशमेंट, सजा, इस्लामी हुदूद, कैपिटल पनिशमेंट, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, नंबर वन। नंबर टू, यानी जिनमें ये चीजें जिक्र होंगी वो मदनी होंगी। नंबर टू, जिनमें मुनाफिकों का जिक्र होगा वो भी मदनी होंगी, एक्सेप्ट सिवाय सूरह अनकबूत के। सही, क्योंकि मुनाफिक कहाँ होते थे, मुनाफिक मदीना में थे, मक्का में मुनाफिक नहीं थे, मक्का में तो सब काफिर ही थे, डंके की चोट पे काफिर थे, सहाबा को तंग करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते थे, तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए थे। अब जब मदीना गए तो मदीना में भाई सब एकदम मुसलमान हो गए, मुसलमानों की एक बड़ी जमात गई, वहां के लोगों ने भी बड़े खुश दिल से इस्लाम कबूल किया, जाने वाले मुहाजरीन बन गए, वहां रहने वाले अंसार बन गए, एक पूरा एक इस्लामिक कहते हैं ना रियासत मदीना कायम हो गई। तो फिर उस रियासत में जो है
बहुत जो काफिर थे वो खुले तौर पर शिर्क नहीं कर सकते थे, ठीक, इसलिए वो मुनाफिकीन बन गए। तो मुनाफिकीन जो थे वो मक्का में नहीं थे, मदीना में थे। तो जिन सूरतों में मुनाफिकीन का जिक्र हो उनको हम मदनी कहते हैं, सही। तीसरा पॉइंट, जिस सूरत में अहले किताब के साथ मुजादले का, मुजादला, डिबेट्स का जिक्र हो, अहले के वो सूरत जिसमें वो था ना मक्की में या अय्युहन्नास हो, तो इसमें क्या है, जिसमें या अय्युहल्लदीना आमनू हो, जिसमें या अय्युहल्लदीना आमनू हो वो मदनी होंगी उमूमन, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मदनी होंगी, नॉट ऑल टाइम्स, हर दफा रूल ऑफ थंब नहीं है ये, हमेशा जिसमें या अय्युहल्लदीना आमनू हो वो मदनी नहीं होगी, हमेशा अक्सर तौर पर, मेजॉरिटी टाइम्स वो क्या होंगी, वो मदनी होंगी। इसी तरह जिन सूरतों में इबादात, मामलात, जिहाद, मीरास, मीरास किसको कहते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जंग, जंगे, वॉर्स, या फिर सुलो, सुलो को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सुलो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो बस में जी सुलो हो गई, ट्रीटीज, पैचअप, प्रॉपर कोई वर्ड नहीं आया बहरहाल अभी तक, ट्रीटी फिर भी एक वर्ड, पीस ट्रीटी हो गई। तो वो इससे क्या होगा, वो जिनमें ज्यादातर ये होंगी, और बैनुल अक्वामी इंटरनेशनल लॉज उसके अंदर दिए गए होंगे, आकाम नहीं होंगे, वो अक्सर तौर पर मदनी होंगी। तो मदनी सूरतों की ये खसूसियात थी। अच्छा जी, कुछ बातें ये भी सुन लें, तो ये मैं रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट्स, कि जिन सूरतों में इस्लामी फरीज़ इस्लामी हद हो वो मदनी है, मुनाफिकीन का जिक्र हो सिवाय सूरह अनकबूत के, अहले किताब के साथ डिबेट्स, मुजादला हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हो, इबादात, मामलात, जिहाद, मिरास, किताल की बातचीत हो, वो मदनी होंगी। अगली क्लास का टाइम हो गया, शेख आ गए, चले चले जी, बस इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सुभानक अल्लाहु बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।